तो दोस्तों आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए हैं। एसएससी के सारे एग्जाम सीजीएल सीएचएसएल जीडी एमटीएस सब की बात करूंगा और काफी थोड़ा बहुत डिटेल भी देखेंगे। तो कोर्स लाया हूं मैं आपका एजुकेटर स्वतन गुप्ता। मेरी वीडियोस अगर आपको मदद करते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो एंड आपके जो भी कमेंट्स होते हैं उन्हें जरूर बताया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हमारे साथ जुड़ करके। हमारा चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज विच इज डेडिकेटेड टू सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो आप जरूर जाके सब्सक्राइब करिए। यहाँ आपको फ्री स्टडी मटेरियल वीडियो नोटिफिकेशंस मिलेंगे। इसके अलावा आप हमारे पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो विच आर डेडिकेटेड टू ऑल सिविल सर्विसेज एग्जाम लाइक यूपीपीएससी एमपीपीएससी एंड बीपीएससी। तो आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस की। हमारा इंक्वायरी नंबर आप इसमें कॉल कर सकते हैं एंड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो भी आपकी क्वेरीज है आप कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए बिकॉज यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। हो सकता है आपके पास यूट्यूब का नोटिफिकेशन ना आता हो जब वीडियो वायरल होता है या लाइव होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आज पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। सो जैसा कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस को रखता हूं तो इसे देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी इज करेक्ट रिगार्डिंग फोर सामवत्स। ओके, सो निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चार संवत्स के बारे में सही है? तो पहला है गुप्ता ग्रिगोरियन हिजरी साका, दूसरा ग्रिगोरियन साका हिजरी गुप्ता, तीसरा साका ग्रिगोरियन हिजरी गुप्ता एंड हिजरी गुप्ता ग्रिगोरी और साका। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, बताइए जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो। तो सर जी इसका सही जवाब है आपका गुप्ता ग्रिगोरियन हिजरी एंड साका। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गुप्ता ग्रिगोरियन हिजरी साका, पहला ऑप्शन इसका सही। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट क्वेश्चन और आपने इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा बिकॉज हमने रामायण देखी है महाभारत देखी है तो हमने जरूर सुना होगा। तो देख लेते हैं। सो द होम ऑफ गार्गी मैत्री एंड कपिला वॉज एट, तो गार्गी मैत्री और कपिला का घर था विदिशा उज्जैन पाटलिपुत्र और मिथिला। बहुत आसान है, इसका सही जवाब है आपका मिथिला और ये पौराणिक टाइम से है नाम। ठीक है, मतलब आप महाभारत में भी इसका नाम आया है। ठीक है, और पौराणिक ट्रेडिशन के हिसाब से जो मिथिला है ये दो शब्दों से मिलकर के बना, एक मिथि सन ऑफ निमि, ठीक है, निमि का जो पुत्र है वो, और किंग ऑफ अयोध्या एंड ग्रैंड सन ऑफ मनु। ठीक है, जो किंग ऑफ अयोध्या थे और ग्रैंड सन थे किसके, मनु के, उन्होंने इस किंगडम को फॉलो किया था। ठीक है, बाद में इसका नाम मिथिला पड़ा। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत रामायण में भी इसका नाम काफी आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, तो बात यहीं पे आ जाती है, तो ध्यान देना मिथिला इसका सही जवाब है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सुना होगा रामायण वगैरह आपने देखी होगी, मिथिलावासी वगैरह ऐसे टर्म्स वहां पे मिलती हैं। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। तो विच एरा ऑफ इंडिया वॉज नोन एज अवंतिका इन एंशियंट टाइम, तो भारत के किस क्षेत्र को या किस काल में, ठीक है, काल में प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता था, अवध रुहेलखंड बुंदेलखंड और मालवा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी से। तो सर जी इसका सही जवाब, बिल्कुल सही जा रहे हो तुम लोग, इसका सही जवाब है मालवा, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, मालवा, तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कुछ बातें, उज्जैन, ठीक है, एक एंशियन सिटी है मालवा रीजन की। ठीक है, तो इसी में आपका अवंती और अवंतिकापुरी आते हैं और ये आपका सिप्रा नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, प्रेजेंट में ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और जो आपकी अवनति की मैंने बात करी ना, अवंती की, सॉरी, तो अवंती उज्जैनी की कैपिटल थी। ठीक है, इसको बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब आपका मालवा होगा, याद रखना है। थोड़ा बहुत डिटेल है वो मैं आपको बताता रहता हूँ, जरूरी है कि आप उसको याद रखें। चलिए आगे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने। तो द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पा वास, तो हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था थी, पहला फेरी इगैलिटेरियन, स्लेव लेबर बेस्ड, कलर बेस्ड और कास्ट बेस्ड, तो किस बेस पे थी बताइए। बहुत हद तक जो समतावादी थे मतलब समानता पे बिलीव करते थे या फिर वो दास में बिलीव करते थे, तो जो दास प्रथा थी ना स्लेव लेबर बेस्ड, मतलब जहां पे लोगों को अपना दास बना लिया जाता था उनके सारे काम करते थे, या फिर वर्णा बेस्ड थी, वर्णा मतलब रंग भेद की बात आ गई, गोरा था काला था, या फिर जाति भेद कास्ट सिस्टम की बात आ गई। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी से।
यस, इसका सही जवाब, सी इसका सही जवाब है आपका समतावादी, फेरी इगैलिटेरियन। ठीक है, तो याद रखना है, सो द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन प्रोवाइड प्रैक्टिकली नो एविडेंस ऑफ आर्मी, किंग, स्लेव्स, सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रिजन। ठीक है, तो इस सिविलाइजेशन में प्रैक्टिकली तो ऐसा कुछ नहीं दिखा था, यहाँ पे प्रिजन वगैरह की बात करी जा रही हो या फिर निगेटिव ट्रेड्स की बात करी जा रही हो। ठीक है, तो जिसको हम अर्ली ट्रेडिशन से जोड़ करके भी रखते हैं, तो सीधी सी बात है कि अगर उस समय स्लेव और किंग नहीं थे तो अब वो मोर इगैलिटेरियन गवर्नेंस ही आएगी। ठीक है, या उस चीज की प्रैक्टिस करी जाएगी। तो इसका सही जवाब आपका फेरी इगैलिटेरियन होगा, याद रखना। चौथा क्वेश्चन का सही जवाब है समतावादी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये, और देखते हैं ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी देता है? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। वैसे देखो, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करो, बिकॉज वहां पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। बट ये साइंस को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, मतलब छोटी छोटी बातें पढ़ो उतना जितना जरूरी है, सब नहीं। ठीक है, तो देखो, जब अगर बात करी जाती है कि कौन से वेद हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा जाते हैं अर्ली वैदिक एज की, तो सर वो है आपका ऋग्वेद। ठीक है, तो वैदिक पीरियड में बात करी जाए, वैदिक पीरियड को एक्चुअली वैदिक एज भी बोलते हैं, तो कभी ऐसा नाम आ जाए तो कंफ्यूज मत कर जाना। ठीक है, पक्का? अच्छा, मुझे ये बता दो कमेंट करके कि ये ऋग्वेद का टाइम पीरियड क्या रहा होगा, कोई भी बता दे क्या टाइम पीरियड रहा होगा, कोई विशेषता बता दो ऋग्वेद की जल्दी से। जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये छठवा। हिस्ट्री में एक चीज बताता हूँ भाई, इंग्लिश और हिंदी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जो शब्द हिंदी में है वही शब्द इंग्लिश में है, थोड़ा बहुत तो फिर फर्क है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, तो इतना ज्यादा आप भी टेंशन लेके मत बैठिएगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और वैसे मेरा मानना है इंग्लिश सीखो, इंग्लिश सीखना है भाई, मेरे कोर्सेज देख लो जा करके, बहुत सारे वीडियोस आके अपलोड कर चुका हूँ, पूरी ग्रामर बेस से चल रही है। तो चलिए हम सिक्स पे आ चुके हैं, द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन पोस्ट गुप्ता इरा। तो भाई वह यूनिवर्सिटी कौन सी है जो गुप्ता काल में बहुत फेमस हुई थी, पोस्ट गुप्ता इरा में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी? कांची, तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी, बताइए कौन सी है, जल्दी से बताइए। तो सर आपने सुना होगा नालंदा, नालंदा के बारे में, कहाँ पढ़ती है नालंदा, कोई बताएगा मुझे कहाँ पढ़ती है, जल्दी से बताओ जल्दी से। यस, सही जवाब तो सही जा रहा है आपका, नालंदा है। बट नालंदा है कहाँ पे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, सुन लो। तो नालंदा वॉज एन एंशियंट सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इन बिहार, समझ में आ गई? तो नालंदा बिहार में थी, और एक बहुत बड़ी, मतलब समझ जाते हो, लर्निंग के लिए एक बहुत बड़ा एक एक रास्ता था, एक ऐसी जगह थी जहां पे लोग जाते थे। ठीक है, और दूसरी बात एक ये याद रखना है कि नालंदा बुद्धिस्ट लर्निंग का या बुद्धिस्ट ज्ञान की बात करी जाए तो उसका एक बहुत बड़ा ही एक स्रोत रहा है, मतलब एक सेंटर रहा है। ये 6th सेंचुरी AD से 1197 CE तक था। ठीक है, तो याद रखिएगा नालंदा इसका सही जवाब होगा। अब ऑफ कोर्स ये फिर गुप्ता पीरियड की बात पे आती, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो नालंदा है वो किसके पीरियड में बनी थी, तो ये भी इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और आपके सामने रहा ये 7th। सो बाणभट्टा वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्परर? बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी के कवि थे? ठीक है ना, मतलब किस कोर्ट में वो कवि थे, किसके में थे? विक्रमादित्य हो गया, कुमार गुप्ता हो गए, हर्षवर्धन हो गए, या फिर कनिष्का, बताइए। पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूं, जो बाणभट्ट थे ये संस्कृत स्कॉलर थे, ठीक है, और ऑफ कोर्स इंडिया के ही पोएट थे, और ये अस्थाना कवि थे, किसके? किंग ऑफ सॉरी किंग हर्षवर्धन के अस्थाना कवि में इनका नाम आता था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो इन्होंने एक्चुअली बायोग्राफी भी लिखी थी, तो इन्होंने प्रिंसिपल पे लिखी थी, लाइक बानास प्रिंसिपल वर्क्स इंक्लूड अ बायोग्राफी ऑफ हर्षा। ठीक है, तो हर्षा पे एक लिखी थी बायोग्राफी, द हरिश्चंद्र एंड वन ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट नॉवेल। ठीक है, कादम्बरी भी इन्होंने ही लिखी थी, याद रखना, मतलब ये बहुत कह सकते हो दुनिया के प्राचीनतम नॉवेल्स जो होते हैं, था उसका नाम था कादंबरी, वो इन्होंने लिखी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, और आपके सामने रहा ये, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी। तो पहला भारतीय शासक जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना का वर्चस्व स्थापित किया था,
वह कौन था बताइए, राजा राजा वन, राजा राजा राजेंद्र टू, राजा धीराज प्रथम, या फिर कुलोत्तुंग प्रथम, ठीक है, या कुलोत्तुंगा भी इसे बोलते हैं, प्रथम, बताइए इसमें से क्या होगा। वैसे अगर तुम्हें पता हो थोड़ा बहुत, तो ये चोला से रिलेटेड है, चोला वंश था ना, तो राजा राजा चोला वन क्रिएटेड अ पावरफुल स्टैंडिंग आर्मी एंड कंसीडरेबल नेवी विच अचीव्ड इवन ग्रेटर सक्सेस अंडर हिज सन राजेंद्र चोला वन, ठीक है। तो राजेंद्र चोला वन इसका सही जवाब नहीं है, लेकिन इसके अंडर में भी उन्होंने काफी बड़े काफी कुछ अचीव किया था। बाकी ये राजा राजा प्रथम के अंडर में बनी थी, इन्होंने ही स्टैंड कराई थी इसको। पूरा नाम राजा राजा चोला वन है इनका, ठीक है, इन्होंने इसको क्रिएट किया था नेवी की, इंडियन नेवी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए और आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाई समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, मतलब थोड़ा बहुत डिटेल देता जा रहा हूं जिससे तुम्हें रिकॉल हो पाए, हाँ मैंने ये कहाँ पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने रहा, विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज करेक्ट, तो हड़प्पा सभ्यता पर कौन सा कथन सही है। हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज नोन टू देम, ठीक है ना, तो अश्वत्याग उन्हें ज्ञात था या उनकी जानकारी में था। काउ वॉज सेक्रेट टू देम, गाय उनके लिए पवित्र थी जैसे आज भी है। पशुपति वॉज वेनरेटेड बाई देम, तो पशुपति उनके द्वारा वंदित था। या फिर द कल्चर वॉज नॉट जनरली स्टैटिक, तो संस्कृति आमतौर पर स्थिर नहीं थी। इसका सही जवाब क्या होगा। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर बात करी जाए तो भाई इसका सही जवाब है आपका, संस्कृति आपकी स्टैटिक नहीं थी, या कह दूं मैं स्थिर नहीं थी, द कल्चर वॉज नॉट जनरली स्टैटिक। वैसे अगर देखा जाए तो हड़प्पा बहुत ही ज्यादा फेमस है ना, पॉटरीज वगैरह भी हमें यही मिली है, देन सेरामिक आर्ट्स भी यही मिली है, काफी सारी आर्ट्स मिली है, ऐसा आप आइडल्स वगैरह की भी बात इसमें करी जाती है। खैर वो सब डिटेल तो वही चलता रहेगा, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, इन चीजों को याद रखना है। और अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आई गेस इतना डिटेल सफिशियंट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन वॉज, मतलब इससे आसान नहीं हो सकता कोई भी क्वेश्चन। सो द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन वॉज, जैनों का पहला तीर्थंकर कौन था, अरिस्टानिमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या फिर ऋषभ, बताइए। तो देखिए जैनों में 24 तीर्थंकर हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कितने हुए हैं, 24, और पहले थे आपके ऋषभ, ठीक है। इन्होंने आपका इक्ष्वाकु डायनेस्टी, ठीक है, वो इसको फाउंड किया था, क्लियर है, इसका वाकू डायनेस्टी है, इन्होंने इसको फाउंड किया था, याद रखना, ठीक है। चलिए और इसी की वजह से इनको आदिनाथ भी बोला जाता है, डन। चलिए फिर हम इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 11 में, आई होप मजा आ रही है, आपके आंसर भी आते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत डिटेल में आपको देता ही जा रहा हूँ, बस इसी तरह एसोसिएशन बना के रखा करो। और एक बात बताता हूँ भाई, देखो किसी को वीडियो पसंद आ सकता है, किसी को नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो वो लिखा करो, और हमेशा ना जेन्यून रिव्यूज दिए जाते हैं, कहीं पे भी पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे से पढ़ो, कहीं पे भी पढ़िए, हमेशा जेन्यून रिव्यूज दीजिए, नहीं लगता तो भी बताइए क्यों नहीं लगता, और सही लगता है तो भी बताइए क्यों लगता है, मतलब ये नहीं होता, मतलब जरूरी है ये चीज आपकी लाइफ में भी हमेशा काम आएगा, कल भी तो आप कहीं ना कहीं जॉब करेंगे ही ना जाके, ये याद रखिएगा, क्योंकि कुछ थोड़े ऊटपटांग के मैसेजेस आते हैं तो मैं देखता हूँ उनको। खैर सब चलता रहता है, हम यहाँ पे सीखने पे ज्यादा दिमाग लगाएंगे जो हमारा काम है। सो द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियन वॉज ओपेंड बाई, तो भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग खोला गया था, किसके द्वारा खोला गया था, कनिष्का, अशोका, हर्षा और फाहाइन, बताइए, कनिष्का, अशोका, हर्षा और फाहाइन कौन था, जल्दी से, यस जल्दी, यू हैव 30 सेकेंड, जल्द कम ऑन जल्दी। इसका सही जवाब है आपका कनिष्का, ठीक है, याद रखिएगा क्या है, कनिष्का। फाइन तो मतलब एक ऐसा नाम है भाई, इंग्लिश तक में इनका नाम आया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में काफी फेमस रहे हैं, बता दिया आपको, ध्यान रखना। आगे आते हैं, द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्ग, ठीक है ना, तो किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू करी थी, कौन है वो बताइए, सातवाहंस, मौर्यास, गुप्तास और चोलास, चोल वंश के शासकों ने, गुप्ता वंश के शासकों ने, मौर्य वंश के शासकों ने, या फिर सातवाहन ने किया था, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी। तो देखिए रूलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए
ये शुरुआत की थी आपकी सातवाहन ने, ठीक है। तो इसमें लैंड ग्रांट करी जाती थी, बात समझ में आ गई। और भी कुछ पॉलिसीज रहती थी जो कि लाइक ब्राह्मिन्स एंड बुद्धिस्ट के लिए था, ठीक है, जो भी उसे रिलेट करते थे, बात समझे, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। और अच्छा, राजा का नाम बता दो कोई भी। आगे आते हैं 13, आपके सामने रहा ये। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। शतपथा ब्राह्मण्स, अथर्व वेदा, सुलवा सूत्रास एंड चंदा योग उपनिषद, छंदोग्या उपनिषद, बताइए। तो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है कौन सा है, बिल्कुल जल्दी। तो सर जी, इसका सही जवाब है आपका सुलवा सूत्रास, ठीक है। सुलभा सूत्रास है, याद रखना, BHA है, तो सुलभा सूत्रास, कहीं कहीं आपको शायद सुलवा मिल जाए, बट सुलवा सूत्रास है, याद रखना है। और ये थोड़ा रिचुअल्स वगैरह से रिलेटेड था, और बेसिकली ये ज्योमेट्री की इसमें बात काफी करी गई है, ठीक है, याद रखना, किसकी, ज्योमेट्री की बात करी गई है। तो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा हो गया सर, सुलभ सूत्रास, डन। चलिए आगे आते हैं, 14 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 14 नंबर का, देखते हैं। तो यवनिका और कर्टेन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया थिएटर बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यवनिका या पर्दा भारतीय रंगमंच में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था, सही जवाब इसका बताइए क्या होगा, साकाज, पार्थियन, गीक्स या फिर कुशांस, जिसे कुषाण भी बोलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, साकाज या शाक या पार्थियन, यूनानी, कुषाण, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा आपका यूनानी, ठीक है, याद रखिएगा, यवनिका यूनानी से रिलेटेड है, किससे, यूनानी से रिलेटेड है, डन। चलिए, ग्रीक्स इसे इंग्लिश में बोलते हैं, गीक नहीं बोलते, ग्रीक बोलते हैं, ठीक है, स्पेलिंग का फर्क है, गीक एक इंग्लिश मीनिंग है, उसका मीनिंग अलग होता है। देन हम 15 में आते हैं, क्वेश्चन रहा आपके सामने, हु स्टार्टेड द साका इरा विच इज स्टिल यूज बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सोचो मतलब कितनी बड़ी चीज है, इतने पहले स्टार्ट हुई थी और आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज कर रही है। तो शाका युग की शुरुआत किसने की थी, जो आज भी भारत सरकार द्वारा उपयोग की जाती है या प्रयोग में लाई जाती है या उनके रूल्स को फॉलो किया जाता है। सो कनिष्का, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और अशोका, तो कनिष्क थे, विक्रमादित्य थे, समुद्रगुप्त थे या फिर अशोका थे, जल्दी बताइए बताइए सर जी। इसका सही जवाब है आपका कनिष्का, ठीक है, ये पावर में थे 78 AD to 120 AD, ठीक है, और याद रखना इस चीज को, क्योंकि कभी एरा पूछ सकता है तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, भाई कनिष्का एरा में के जो राजा थे, जो कनिष्का थे, वो किस एडी से किस एडी तक थे, तो 78 AD से 120 AD तक थे, एंड इट वॉज कनिष्का हु इनिशिएटेड द साका इरा इन 78 AD, ठीक है, तो इन्होंने ही इसको इनिशिएट किया था, शुरुआत करी थी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, आंसर सही जा रहा है कनिष्का, और आपका जितना भी ज्यादा एंगेजमेंट रहता है उतना अच्छा लगता है मुझे, जितना ज्यादा लोग जुड़ते हैं सीखते हैं अच्छा लगता है, आप लोग आंसर देते रहा कि ये गलत से मत डरा करो, मेरा मानना है जिंदगी में गलती करने से कभी मत डरो, कभी मतलब कभी मत डरो। तो 16 क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, 16 नंबर, तो व्हाट इंस्पायर्ड द पेंटिंग ऑफ अजंता, तो अजंता की चित्रों से क्या प्रेरित हुआ या अजंता के चित्रों के लिए क्या प्रेरणा का स्रोत था, बताइए। तो कंपैशनेट बुद्धा, राधा कृष्ण लीला, जैन तीर्थांकर्स और महाभारत इनकाउंटर्स, तो अनुकंपा बुद्धा थी, राधा कृष्ण लीला थी, जैन तीर्थांकर थे या महाभारत इनकाउंटर्स थे, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो अजंता के लिए सबसे पहले तो भाई ये आपकी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ना, ये तो पता ही होगा, कहाँ, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और औरंगाबाद कहाँ पे है, ये आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, बात समझ में आ गई, अच्छा जी। तो इसका सही जवाब है आपका कंपैशनेट बुद्धा, अनुकंपा बुद्धा, ठीक है, कंपैशनेट में तो अनुकंपा होता है, तो अनुकंपित बुद्धा जिसे आप बोल सकते हो, तो ये याद रखना, ये भी आ जाता है कभी कभी स्टैटिक में, इवन बैंकिंग वगैरह में भी आ जाता है कि भाई अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं,
तो कभी ऑप्शन हो सकता है आपको औरंगाबाद ना दे, सिर्फ महाराष्ट्र दे दे, तो भी उसकी प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता होता है, तो उसी हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे आते हैं 17 में। 17 आपके सामने ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया, तो निम्नलिखित में से कौन भारत का आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था, निम्नलिखित में से कौन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था, जेरेक्स, अलेक्जेंडर, डेरियस वन और सेलिकस। ठीक है, सेलुकस भी बोलते हैं इसको, सेलिकस भी बोलते हैं, चलता है, बिकॉज नाम ऐसे होते हैं तो कई बार बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, जरूरी थोड़ा इंग्लिश में ही हो सारा सारा, कोई फ्रेंच भी हो सकता है। ठीक है, तो सर जी इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका डेरियस। ठीक है, और ये पर्सियन था, क्या था, पर्सियन, इसका सही जवाब है आपका डेरियस, और ये कौन था, पर्सियन था। ठीक है, इन अबाउट 518 BC द पर्सियन इन्वेडेड इंडिया एंड दे वर लेड बाई किंग डेरियस वन। ठीक है, किंग डेरियस वन, तो डेरियस वन ने सबसे पहले हमला किया था, और पर्सियन नहीं किया था, तो बताया ना 518 BCE पे, और इसने सबसे पहले कॉन्कर करी थी इंडस वैली को। ठीक है, समझ में आ गए, जो अभी इस समय पंजाब में पड़ती है। एनी क्वेश्चन, डन, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, तो इनमें से, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी डायनेस्टी या राजवंश कौन सा है, तो मौर्य, गुप्ता, कुषाण या कन्वर, जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। वैसे आपको मैं ये बता देता हूं कि मौर्य डायनेस्टी 321 से 125 BC तक था। ठीक है, कब से, 321 से 100, नॉट 125 एक्चुअली, 321 से 185 BCE तक था, इसको याद रखना है। ठीक है, और ये एम्पायर फाउंड किया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो मौर्य एम्पायर किसने फॉर्म किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो तुम इससे समझ चुके होगे कि ये सही जवाब है इसका, मौर्य, याद रखना है। ठीक है, तो सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी आपकी मौर्य है, जब मैं मौर्य का नाम ही दो तीन बार ले लिया तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए इसका जवाब आपका मौर्य ही होगा। मौर्य को फाइंड किया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य डायनेस्टी आपकी 321 से 185 BCE तक था, बात समझ आ गई, और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द किंगडम ऑफ मगधा इन द इंडो जेनेटिक प्लेन। तो अभी इंडो जेनेटिक प्लेन में क्या क्या आ जाता है, आपका मॉडर्न बिहार है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, ये इसमें आते हैं। ठीक है, बात याद रहेगी। अच्छा जी, कुछ और बातें हैं, द गुप्ता एम्पायर इसके बाद जो, मतलब सॉरी, द एम्पायर वॉज फाउंडेड इन 322 BC बाई चंद्रगुप्त मौर्य, एंड द गुप्ता एम्पायर वॉज इन 322 550 CE टू कवर्ड मच ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इसके बाद गुप्ता थे और उन्होंने काफी कुछ कवर करने की कोशिश करी थी। चलिए आगे आते हैं, खैर छोटी मोटी बातें हैं, पता रहनी चाहिए आपको। पता है बताने का रीजन क्या होता है, जैसे कल एक कमेंट आया था कि आप लोग पढ़ाते नहीं हो, देखो यार डिटेल नहीं दूंगा ना, 50 100 क्वेश्चन करा सकता हूँ मैं 50 मिनट में, 30 मिनट में, 30 मिनट में 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, उससे अच्छा पेज ही पढ़ लो थोड़ा बहुत। आप यहाँ पे क्यों बैठे हो, आपके सामने क्वेश्चन आए, आप जल्दी से आंसर दो, नोटिस करो मैं 30 सेकंड में आंसर एटलीस्ट दे देता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अगर डिटेल नहीं दूंगा तो क्या फायदा, रटने से भी तो बस काम नहीं होने वाला ना, कि तुम सोच लो तुम रट लोगे तुम्हारा पेपर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता, थोड़ा इंटेलेक्चुअल जरूरी है, आपको चीजें पता होनी चाहिए, मतलब एक आइडिया तो होना चाहिए, ऑफकोर्स वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, बट थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ही, समझ रहे हो ना बात को, तो ये है, मतलब मैच्योरिटी वाली बात है ये। आगे आते हैं, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिक जीविका चिंतामणि इन तमिल एसोसिएट, तो निम्नलिखित में से तमिल में जीविका चिंतामणि किससे संबंधित है, जीविका चिंतामणि नाम याद रखिए, थोड़े चिंता से रिलेटेड है, तो सर जी इसको इंग्लिश में एक्चुअली बोलते हैं फैबुलस जेम। ठीक है, जीविका चिंतामणि को बोलते हैं फैबुलस जेम, और ये एक तरह की क्लासिकल पोयम है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका सही जवाब क्या होगा, तो आपका इसका सही जवाब होगा जैन। ठीक है, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी तो है ही नहीं, ठीक है, इसका सही जवाब है आपका जैन धर्म, बात समझ में आ गई। चलिए तो आगे आते हैं और 20वें क्वेश्चन को देखते हैं, काफी कुछ डिटेल हम देते ही जा रहे हैं, तो 20वां आपके सामने रहा ये, सो वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीदे दिस लास्ट, तो मतलब मैं इसको एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, लेकिन बता दो भाई इसका सही जवाब क्या है, मतलब मुझे ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, इसका सही जवाब है कुशीनगर।
ठीक है। और कुशीनगर, आपको पता कुशीनगर, सॉरी कुशीनगर एक्सप्रेस भी चलती है, ट्रेन का नाम भी कुशीनगर एक्सप्रेस, कुशीनगर एक्सप्रेस सॉरी। और ये कहाँ पे है सर जी? ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। एक तरह का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट भी है, याद रखना है, ठीक है। और इसकी जो अगर लोकेशन की थोड़ी बात करूं तो हीरान्यावती रिवर, हिरण्यवती रिवर या हिरम्यवती नदी के किनारे ये पड़ता है, ठीक है। तो यहीं पे इन्होंने परिनिर्वाणा लिया था, ये जिसे फाइनल निर्वाणा भी बोलते हैं। और ये कब लिया था भाई? जब इन्होंने खाना वाना छोड़ दिया था, ठीक है, और बीमार हो गए थे, आफ्टर फॉलिंग इल फ्रॉम ईटिंग अ मील ऑफ स्पीसीज ऑफ मशरूम और पॉसिबली पोर्क, मतलब ऐसा बोला जाता है। जरूरी नहीं है कि वो सही हो, मतलब अब हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत लोगों के अपने विचार होते हैं। तो उन्हें मशरूम वगैरह खाने से बीमार हो गए थे, बाद में ऑफकोर्स खाना छूट गया होगा। सो आगे आते हैं, 21 आपके सामने रहा, हु वर द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड क्वाइन इन इंडिया, तो भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो मौर्य, इंडो ग्रीक्स, गुप्त और कुषाण। बताइए, मौर्य, इंडो ग्रीक्स, गुप्त और कुषाण। तो इसका सही जवाब है आपका इंडो ग्रीक्स। तो भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले राजा इंडो ग्रीक्स थे, ठीक है। बात समझ में आ गई? ओके, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा, वेयर इज बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड? स्टैटिक जीके है, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो सर जी, बृहदेश्वर टेम्पल आपका तंजौर में है, ठीक है। इसको पहले आपका थंजावुर भी बोला जाता था, अभी इसे तंजौर बोला जाता है, ठीक है। और ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में ये पड़ता है, याद रखिएगा। छोटी सी चीज है बट पता होना चाहिए, मान लो यही क्वेश्चन कर ले, उसे घुमाना ही तो है, अभी पूछ ले तो क्या करेगा। क्लियर है? मतलब ये ऐसा बोला जाता है कि एक अगर आपको एक तमिल लिटरेचर का थोड़ा सा या आर्किटेक्चर को थोड़ा देखना है तो आप जरूर जाके इसको देख सकते हैं। अच्छा ये बता दो कि जो बृहदेश्वर टेम्पल है ये बनवाया किसने था? बनवाया किसने था? एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन फॉर्म करना सीखो, वो मैं आपको लगातार इसलिए बताता रहता हूँ। 23 रहा आपके सामने, इन तमिल लिटरेचर द ग्लोरियस बुक शिल्पा दिक्रम एंड मनी मेकलई आर रिलेटेड टू, तमिल साहित्य में शिल्पा दिक्रम और मणि मेकलई से संबंधित, मतलब किससे रिलेटेड है? शानदार पुस्तकें जो हैं ये किससे रिलेटेड है? जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुज्म और क्रिश्चियनिटी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखो अगर तुम नोटिस करो तो मैं कहीं ना कहीं बुद्धिज्म के आसपास घूम रहा था, तो अभी के लिए तुम कॉमन सेंस से भी अगर इसका आंसर दोगे तो इसका सही जवाब बौद्ध धर्म होगा, ठीक है, याद रखना। ये मतलब कैसे काफी फेमस लिटरेरी माना जाता है इनको, ठीक है, तमिल ट्रेडिशन से भी रिलेट करता है, याद रखना इन चीजों को। चलिए आगे आते हैं, और 24 आपके सामने ये रहा, ऐसा का मतलब देखिए ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में मत देखना। हाँ अगर अब तुम स्टेट पीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में चले जाओ, वहां फिर और डिटेल में आपको मिल ही जाएगा। चलिए 24 में आ चुके हैं, सो हु एस्टैब्लिश महाबलीपुरम? तो महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? पल्लवाज ने, पांड्यास, चोला और चालुक्य। तो पल्लव, पांड्य, चोल, चालुक्य किसने किया था बताइए? 24 आपके सामने है, सो ये जो महाबलीपुरम है, थोड़ा सा बता देता हूँ जब तक आंसर दे दो। तो जो महाबलीपुरम है ये ममल्लपुरम, ठीक है, ममल्लापुरम सॉरी, तो ये ममल्लापुरम से डिराइव किया गया है, ठीक है। मतलब अगर इसका पुराना नाम देखा जाए या किस शब्द से लिया गया, तो दिस इज ममल्लापुरम, ठीक है, याद रखना है। ओके, और इसका सही जवाब बता दो फिर क्या है? यस, पल्लवा से रिलेटेड है, ठीक है, किससे? पल्लवा किंग से। और पल्लवा किंग में भी कौन? नरसिम्हा रावण, नरसिम्हा वर्मन, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, 25 रहा आपके सामने। अगर देखो कल से के मुकाबले थोड़ा स्पीड में हो रहा है, बट जो भी चीजें स्टैटिक है तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत होती नहीं है, नहीं है तो हम बाकी देखते ही रहते हैं। तो आगे आते हैं, द साका इरा कमेंसिंग फ्रॉम AD 78 वॉज फाउंडेड बाई, तो AD 78 से शुरू होने वाला साका साका इरा, ठीक है, इसे शक युग मत बोलना, दिस इज साका इरा, मैंने ऊपर किया ही हुआ था इसको, दिस इज साका इरा, साका इरा द्वारा स्थापित किया गया था।
तो कनिष्का, अशोका, चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य, जल्दी से बताओ। वैसे ये क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, मैंने तुमको उस समय बताई थी 78 से 135, 185 कुछ बताया था, ऊपर याद करो, बताया था ना। यस, तो इसका सही जवाब है आपका कनिष्का। आंसर क्वेश्चन दोनों रिपीट कर रहे हैं, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था। कंफ्यूज करने के लिए बहुत हो जाता है, जब एडी वेडी दे तो तुम सोचने पड़ जाता है हमने एडी तो पढ़ी नहीं थी, ये सुना था, ये नहीं होगा, गुप्ताज आ गए, या मतलब ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इन चीजों के लिए जरूरी होता है। तभी मैं बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन को देखने की, समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो 26 आ चुका है आपके सामने सर जी, और ये रहा गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, तो जो आपका गंधारा स्कूल है वह विद्यालय अस्तित्व में आया तो हिनन्या संप्रदाय या सेक्ट से, महान्या सेक्ट से, वैष्णवा सेक्ट या फिर शैनवा सेक्ट, बताइए। तो इसका सही जवाब आपका महायाना संप्रदाय, ठीक है, गंधारा स्कूल, डन। चलिए आगे आते हैं, ये रहा 27 आपके सामने। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सोवेटेड इन इंडस वैली, विच वन इंडिकेट द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। सो सिंधु सभ्यता में खुदाई निम्नलिखित में से कौन सा अवशेष मिलता है जो वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को इंडिकेट करता है, इंडिकेट मतलब इंकित करता है, इंगित बोलते हैं हिंदी में, तो बताइए इसमें से क्या होगा। द पोएट्री, सील्स, मोहरें जैसे बोला जाता है, बोट्स, नावे हो गया, द हाउसेस घर हो गया, तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसका सही जवाब है आपका सील्स। द सील्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड, तो ये मोहरों के थ्रू ही पता चला था उस पीरियड के बारे में, मतलब एक बहुत बड़ा सोर्स है, मतलब ये नहीं बोलूंगा सिर्फ इसी से, बट हाँ उस ये एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसके थ्रू पता चला था, ठीक है। तो ये एक इंसाइट देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, इंडस सिविलाइजेशन का, ठीक है, तो मोहरे इसका सही जवाब है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीजें वहां पे मिली थी, खैर उनको डिस्कस करने का भी हमारे पास इतना समय नहीं है, लेकिन जस्ट जब हिस्ट्री वगैरह थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो वहां पे भी इसको देख लेंगे। समझ आ रही है भाई क्वेश्चन में, कितने सही हुए आप लोगों के, 28 में आ चुके हैं, 27 क्वेश्चन में से कितने सही हुए बताओ, खुद से बताओ कितने सही हुए, 10, 5, 20, पूरे में पूरे किसके सही है, जल्दी से। सो 28 देखते हैं। बौद्धों के अनुसार किसे गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है, हु अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट इज बिलीव्ड टू बी द नेक्स्ट इनकार्नेशन ऑफ गौतम बुद्ध, आत्रेय, मैत्रेय, नागार्जुना, कल्कि, बताइए। आत्रेय, मैत्रेय, नागार्जुना, कल्कि, सही जवाब क्या होगा, तो सर जी इसका सही जवाब है आपका मैत्रेय, ठीक है, बात समझ आ गई, मैत्रेय इसका सही जवाब है। और हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये 29। हु अमंग द फॉलोइंग वर कंटेम्पररीज ऑफ कनिष्का, तो निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समकालीन, कंटेम्पररीज मींस होता है समकालीन, ठीक है, जैसे आपने डांस फॉर्म भी देखी होगी ना, कंटेम्पररी डांस फॉर्म है। सो देखते हैं इसका ऑप्शंस, देख लेते हैं, कंबना, बाणभट्टा, अश्वघोषा, नागार्जुना, अश्वघोषा, वाशुमित्रा, अश्वघोषा, कालिदास बनभट्ट या फिर कालिदास कंबन और वासुमित्रा, इसका सही जवाब बताइए, ये रहे हिंदी में, ये रहे इंग्लिश में, इसका सही जवाब बता दो क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो सर जी इसका सही जवाब, बिल्कुल तुम सही जा रहे हो, नागार्जुना, अश्वघोषा, ठीक है, और वासुमित्रा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका सही जवाब दूसरा है, लिख लो, स्नैपशॉट ले लो, जो भी आपको सही लगता है लिखते जाया करो, आंसर जरूर दिया करो, जितना ज्यादा आप इंगेजमेंट रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहता है, उतना ज्यादा सीखने को भी रहता है सबके लिए। चलिए इसी के साथ हम 30वें क्वेश्चन में आ चुके हैं। सो विच रूलर बिल्ट द एलोरा टेम्पल्स, तो किस शासक ने किन शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण किया था, तो चालुक्य, शुंगा, राष्ट्रकूटा और पल्लवा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताओ, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी, यू हैव 30 सेकेंड, बताइए। चालुक्य, शुंगा, राष्ट्रकूट, पल्लवा, सही जवाब इसका क्या होगा,
बिल्कुल सही जा रहे हो भाई, कुछ लोगों के गलत भी आ जाते हैं, बट कोई बात नहीं, इसका सही जवाब है आपका राष्ट्रकूटा। ठीक है, क्या राष्ट्रकूटा तीसरा इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे आते हैं, 31वें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और आपके सामने रहा ये, हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवानमा पियादासी, पियादासी जिसे बोल सकते हो। तो निम्नलिखित में से किसका नाम देवानमा पियादासी भी था? सो मौर्य किंग अशोका, मौर्य किंग चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध और भगवान महावीरा, बताइए क्या होगा। सो देवनामा पियादासी बोला जाता था आपको मौर्य राजा अशोका को। ठीक है, किसको? अशोका को, ये मौर्य वंश से बिलोंग करते थे, अशोका ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। अच्छा, इनकी जो रेन थी वो कितनी थी? 269 BC टू 231 BC तक था। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे आते हैं, वैसे और भी काफी कुछ है जो इनकी चीजें हैं, वो आपका बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान तक में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा मैं बात करूं फेमस है कहाँ पे, इस तरीके से। 32 पे आते हैं, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग पर्टेनिंग टू, तो अजंता पेंटिंग की विषय वस्तु किससे संबंधित है? से संबंधित है जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैष्णववाद और शैववाद, शैववाद बोलेंगे इसे। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 32, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है आपका जैन धर्म। ठीक है, याद रखना है, तो अजंता पेंटिंग की विषय वस्तु जैन धर्म से जुड़ी हुई है। अच्छा, अजंता पेंटिंग, इसकी मैं बात करूं, अजंता एलोरा की गुफाएं है ना, ये कहाँ पड़ती हैं बताओ जरा, कहाँ पे? अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे, किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी बताइए। बता बता कहाँ आ जाते हैं 33 में, सो विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्टमैनशिप वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड बाई द आर्यंस, तो आर्यो द्वारा निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? बताइए, पॉटरी, ज्वेलरी, कारपेंटरी, ब्लैक स्मिथ, तो मिट्टी का बर्तन, आभूषण, बढ़ईगिरी या फिर लोहार, मिट्टी का बर्तन, आभूषण, बढ़ईगिरी या फिर लोहार, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है आपका ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ को हिंदी में लोहार बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लोहार। सो आयरन वॉज द मेटल अननोन टू द आयरन्स ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज, एंड द एडवेंट ऑफ आयरन इज जनरली एसोसिएट विद द लेट और पोस्ट वैदिक एज, सो ब्लैक स्मिथ डिड नॉट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड, क्योंकि जब उन्हें लोहे का ज्ञान ही नहीं था तो सीधी सी बात है लोहा लोहार से जुड़ा होगा, है ना? जब उन्हें लोहे का ही ज्ञान नहीं, तो भाई किस तरीके से आपको मतलब आपका लोहार उससे जुड़ा होगा, तो उस चीज का ज्ञान होना भी तो जरूरी, जैसे लकड़ी के बारे में उन्हें पता चल चुका था तो बढ़ईगिरी आ गई, तो ये चीजें होती हैं, लाइक कॉमन सेंस से भी काम होते हैं ये। 34 आ चुका है भाई, और आके देखते हैं क्वेश्चन को, तो मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध इन द ईयर, तो मोहम्मद बिन कासिम ने कब सिंध पर विजय प्राप्त करी थी? 1712 AD, 1812 AD, 1912 AD और 1012 AD, मतलब पूरा एक सीक्वेंस चला दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो सर जी, मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 AD में सिंध पे विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, सिंध, पंजाब, यहीं पे उन्होंने अपना पूरा इस्लामिक रूल का फाउंडेशन रखा था। चलिए अब हम आते हैं 35 में, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखते हैं। 35 आपके सामने रहा ये, द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम, तो सत्यमेव जयते भारत, सत्यमेव जयते भारत के राज्य प्रतीक में से किससे लिया गया? भारत के राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द से लिया गया था, उपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर रामायण, मतलब रामायण को तो तुम सीधे सीधे हटा दो, ऋग्वेद का भी ऐसा कोई रोल है नहीं, थोड़ा बहुत मैंने ऋग्वेद के बारे में आपको ऊपर भी बताया था। तो इसका सही जवाब बहुत आसान है, वो है आपका उपनिषद, उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स, ठीक है, ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स, ये एक तरह का कह सकते हो कि मतलब मंत्र था, और किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो लिया गया है आपके मुंडक उपनिषद से। ठीक है, और इसको नेशनल मोटो में एक्सेप्ट कर लिया गया था बाद में। ठीक है,
तो सर जी आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं कल। कल कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस कर पाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर करें, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाओ। तो अगर आप लास्ट तक जुड़े हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं कल, टिल देन गुड नाइट।